हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल. आई होप यू ऑल डूइंग वेरी वेरी वेल. सो गाइज, आज हम बात करेंगे एक अगेन उबतन के बारे में. ये है फेशियल उबतन नारंगी एंड नागकेसर फ्रॉम फॉरेस्ट असेंशियल. आई नो बहुत से लोग मुझसे इसके रिव्यू के लिए पूछ रहे थे, सो फाइनली आई एम हेयर. एक्चुअली मैं इसको थोड़ा टाइम और देना चाहती थी, बट फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, अगर आप लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा पहले इसका रिव्यू दे देते हैं. तो गाइज, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं देन वीडियो पूरा देखिएगा. वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. गाइज, आज हम बात करेंगे नारंगी एंड नागकेसर फेशियल उबतन फ्रॉम फॉरेस्ट असेंशियल, जो कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है. ये इसका आउटर बॉक्स है, ये आउटर बॉक्स इसकी पैकेजिंग है एंड इसके पीछे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. जैसे कि आप देख सकते हो, क्लेरिफाइंग ब्लेंड ऑफ फ्रेश सन ड्राइड इन्ग्रीडियंट्स फॉर स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग. रेगुलर यूज लीव द कॉम्प्लेक्शन सॉफ्ट एंड ग्लोइंग विद अ रेडियंट शीन. डायरेक्शन आप देख सकते हो, टेक अ हाफ टी स्पून एंड मिक्स विद योगर्ट एंड रोज वाटर टू मेक अ क्रीमी पेस्ट. यूज टू वॉश फेस एंड रिंस वेल. एंड इन्ग्रीडियंट्स भी आप यहाँ पे बहुत आराम से पढ़ सकते हो इसके अंदर क्या क्या है. सभी के सभी नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स हैं. एंड अगेन जो नीचे उन्होंने लिखा है, दिस प्रोडक्ट इज मेड विद फ्रेश हर्ब्स सीड फ्रूट्स एंड फ्लावर. इट इज सन ड्राइड हैंड ग्राउंड एंड पैक्ड within 48 hours. Means 48 hours के अंदर अंदर इन्होंने सारे ये ingredient pick करके and then इनको hand ground करके इनको pack किया है and इसको cool and dry place पे रखना है. External use के लिए ही है. And again, you know, जैसे मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि कुछ लोगों को you know natural product से allergy हो सकती है, so same चीज़ इन्होंने यहाँ पे caution mention कर रखी है कि आपको you know patch test ज़रूर करना चाहिए एक बार अपने neck के पीछे और अपने एल्बो पे. गाइस, अब अगर इसकी अंदर की पैकेजिंग की बात करें तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी पैकेजिंग है. मैंने आपको इसको सौंदर्य उबतन वाली वीडियो में भी दिखाया था, तो आप देख सकते हो इसमें यहाँ पे भी डायरेक्शन इसका लिख रखा है एंड कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन इस पे भी है. एंड जो इसकी शेल्फ लाइफ है गाइज, वो है एग्जैक्टली 1 ईयर एंड आपको 1 साल के अंदर इसको खत्म करना होता है. एंड क्वांटिटी इज 75 ग्राम. तो पैकेजिंग आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह की है. एंड अब इसके मैं अंदर की बात करूं तो मैंने आपको उस टाइम पे भी इसको दिखाया था, फिर मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ. ये कुछ इस तरह की अंदर पाउडर फॉर्म में आता है. तो अभी हम थोड़ी देर में इसको अप्लाई करके देखेंगे कि इसको हम कैसे यूज करेंगे. सो गाइस, पहले आप देख लीजिए कि इसको यूज कैसे करना है, देन उसके बाद हम इसके रिव्यू पार्ट के बारे में बात करेंगे. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. आपने देखा, मैं इसको मोस्टली रोज वाटर के साथ यूज करती हूँ. बीच में मैंने इसको कर्ड के साथ भी यूज किया है. सो फाइनली अब हम इसके रिव्यू पार्ट के बारे में बात करें. सो मैंने इसको आई थिंक जैसे उन्होंने लिखा है कि आपको इसको हफ्ते में 2 बार यूज करना है, या आप इसको एज अ फेस वॉश भी यूज कर सकते हो. तो मैंने इसको इनिशियली 1 वीक के लिए एज अ फेस वॉश यूज़ किया था. उसके बाद से मैं इसको वीक में सिर्फ 1 बार यूज़ करती हूँ, स्पेशली ऑन संडेज जब मैं यू नो मेकअप अप्लाई करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ. तो जब मेकअप रिमूव करती हूँ उसके बाद यू नो अच्छे से
पूरा फेस क्लीन करने के बाद तब मैं इसको अप्लाई करती हूँ. सो मैं इसको वंस अ वीक ही यूज़ कर रही हूँ. सो मुझे एज सच एक बहुत ज़्यादा विजिबल डिफरेंस फील नहीं हुआ है. मेरे बहुत हल्का इधर मेलस्मा है जिसमें मुझे कोई कमी नहीं नज़र आई है. बट येस मेरी इस साइड पे काफ़ी सारे स्पॉट्स थे, पिंपल के एक्ने स्कार्स थे, वो मुझे काफ़ी हद तक लाइटन अप फील हुए हैं. अब ये नहीं पता कि इससे फील हुए हैं या जो मैं सिरम यूज़ कर रही हूँ उससे हुए हैं. वो कन्फ्यूजन आपका थोड़े दिनों में क्लियर हो जाएगा. बट ऑन एंड ऑल मैं बात करूँ तो इसने ऑब्वियसली फेस पे ब्राइटनेस तो दी है और ये काफ़ी अच्छा है. एक्चुअली मैं इसको थोड़ा और टाइम देना चाहती थी जस्ट टू सी कि ये मेलस्मा पे कुछ हेल्प करता है या नहीं. बट आई थिंक गाइज मेलस्मा के लिए आप यू नो प्रोडक्ट्स के पीछे ना भागें, क्योंकि मेलस्मा एक हार्मोनल इशू की वजह से होता है. पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, वो आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हार्मोनल चेंजेस आपके अंदर होते हैं, उसकी वजह से वो होता है. अगर वो सुपरफिशली सिर्फ स्किन के ऊपर है तो आई थिंक कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो काम कर जाते हैं. बट इस तरह के प्रोडक्ट्स आई थिंक मेलस्मा जैसी चीज़ पे इफ़ेक्ट नहीं आपको दिखाएंगे. उसके लिए आपको यू नो स्किन के जो डॉक्टर्स हैं उनसे ही आपको हेल्प आउट लेनी पड़ेगी फॉर मेलस्मा एंड पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन जिसको बोलते हैं. बट फॉर एक्ने स्कार्स एंड अ ब्राइटनिंग फेस और हेल्दी स्किन के लिए आप इसकी तरफ जा सकते हो. ये बहुत अच्छा उबतन है. मैंने आपको सौंदर्य वाले उबतन वाले रिव्यू में मैंने आपको बताया था कि मुझे ये सारे उबतन बहुत अच्छे लगे हैं बिकॉज ये बहुत ही नेचुरल हैं और इसके सारे इन्ग्रीडियंट्स नेचुरल हैं एंड कोई साइड इफ़ेक्ट्स इनका नहीं होता है. अगर आपको ये फ़ायदा नहीं देंगे तो नुकसान भी नहीं देंगे बेसिकली. बट आई लव दीज यू नो उबतन्स. बेसिकली फेस पैक की तरह मैं इनको यूज़ करती हूँ. बट आप इनको एज अ फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हो, तब शायद आपको जल्दी रिजल्ट्स मिलें. बट मैं इसको रेगुलर मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रही बिकॉज जब इनिशली मैंने इसको रेगुलर एज अ फेस वॉश यूज़ किया कर्ड में मिक्स करके, देन मुझे ऐसा फील हुआ कि बिकॉज डेली उसको जस्ट हल्का माइल्ड स्क्रब काम तो ये करता ही है, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे पोर्स ओपन हो रहे हैं. देन उसके बाद मैंने उसको स्टॉप कर दिया. सो मैं इसको अब एज अ फेस मास्क ही यूज़ करती हूँ, एज अ फेस पैक ही यूज़ करती हूँ. और मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप इसको फेस मास्क की तरह यूज़ करें. मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि मैं इसको हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करूँ. मेरे पास सिर्फ एक ही दिन मिलता है संडे का जब मैं इसको यूज़ कर पाती हूँ. तो आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो, ये बहुत अच्छा है. एंड गाइस इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो थोड़ी सी है, इनिशियली आपको थोड़ी सी अजीब लग सकती है. जब आप इसको कर्ड में बनाते हैं तो बहुत गंदी सी स्मेल आती है. आप इसको इनके जो रोज़ वाटर है उनमें बनाओगे तब भी थोड़ा सा यू नो प्रॉब्लम देता है. बट जिस रोज़ वाटर मैं इनको यूज़ कर रही हूँ वो है फ्रॉम खादी और उसमें ऑलरेडी इतना सेंट है, वो बहुत ही सेंटेड है, बहुत स्ट्रॉन्ग उसमें सेंट है, तो उसकी वजह से इसकी जो थोड़ी स्मेल है वो काम डाउन हो जाती है. तो इसलिए मुझे ज़्यादा फील नहीं होता है. बट थोड़े टाइम के लिए आपको इरीटेट करेगी, उसके बाद आप हैप्चुअल हो जाओगे इन नेचुरल फ्रेग्रेंसेज के लिए. सो दैट इज़ इट गाइज अबाउट दिस प्रोडक्ट. सो फाइनल वर्ड मेरे यही हैं कि इफ़ यू वॉन्टेड टू ट्राई दिस वन यू कैन ट्राई. ये आपके एक्ने स्कार्स पे काम कर सकता है और आपके जो फेस पे ब्राइटनेस है वो ये ज़रूर लेके आएगा. बट मेलस्मा के लिए तो मैं नहीं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जस्ट हाइपर पिगमेंटेशन के लिए जाएंगे तो शायद ये नहीं काम करेगा. बट मे बी अगर आप इसको ज़्यादा रेगुलर यूज़ करें, हफ्ते में एज अ फेस वॉश डेली इसको यूज़ करें तो शायद आपको ये जल्दी रिजल्ट देगा. बट अभी देखो मैंने इसको इतना यूज़ किया है, ये अभी हाफ भी नहीं हुआ है. सो आई थिंक पूरा ख़त्म करने के बाद ही मैं फाइनल आपको वर्ड्स दे पाऊँगी कि एग्जैक्टली इसने मेलस्मा ठीक किया या नहीं किया. बट ऑन एंड ऑल इट्स अ गुड प्रोडक्ट. तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज. आई होप आपको आज की इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प तो जरूर मिली होगी. मिली है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मैं मिलूंगी आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें. बाय बाय.